माता रानी तो कभी नहीं कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को जल लाना है या इस तरह के चीजें करना है, तो फिर तुम लोग क्यों करते हो? अपने अंदर जुनून है, शौक से, शौक से करते हम लोग। अच्छा, माता रानी के प्रति जुनून है? हाँ, जुनून है। किस क्लास में पढ़ते हो अभी? सेवन क्लास में। महात्मा गांधी को जानते हो? हाँ। कौन थे महात्मा गांधी? अपने देश के थे। क्या थे? क्या थे जी? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। उनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म उनका? इससे पूछिए ना, ये इससे पूछिए। इससे आप लोगों को भारत के राष्ट्रपिता का जन्म तिथि नहीं याद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जल लाने जाते हैं। अगर जल लाने के बदले में अगर आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होते तो ये बताए, पढ़ाई करते हैं तो फिर साल में एक दिन आता है, एक दिन भी नहीं देंगे टाइम तो क्या करेंगे? अच्छा, तो साल में एक दिन महात्मा गांधी और जितने भी महापुरुष है उनका जयंती भी आता है। भगत सिंह को जानते हो? कौन थे भगत सिंह? भगत सिंह हम लोग थे, हम लोग का जाकर मारे थे दुश्मन को। दुश्मन को मारे नहीं थे वो, पहले उनके बारे में बाबू अध्ययन करो। कि माता रानी जो है वो नहीं कहती है कि आप मेरे लिए जल बक्सर से लेकर के आइए, बनारस से लेकर के आइए या तमाम राज्यों से लेकर के आइए। आप लोग खुद गए थे बक्सर? नहीं, हम लोग कमेटी के सदस्य हैं। हम सेवा में, मैं इन लोग जो कावरिया है उन लोग के सेवा में, जो बहन माताएं बहन है उन लोग के सेवा में हम लोग अलग अलग लोग बक्सर इतने दूर दूर से नंगे पैर चल करके आते हैं और यहाँ पर जल को रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग? श्रीवेश परंपरा है। अच्छा। ये देवी देवता का पूजा है। देवी देवता तो ये नहीं कहते हैं कि आप जल को बक्सर से लेकर के पैदल यहाँ पर आइए। जल को किसी भी स्थान से लेकर के रखा जा सकता है, जो भी पूजा पाठ है वो किया जा सकता है, फिर लोग ऐसे क्यों करते हैं? ये सदियों पुराना है इसीलिए। किस प्रकार से पूजा करेंगे? क्या उपवास रखेंगे या इसी तरह से पूजा करेंगे? उपवास भी रहते हैं कुछ लोग, कुछ इसी भी करते हैं। लोग उपवास जो रखते हैं, जो लोग हैं उपवास नहीं रख पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो उपवास नहीं करते हैं? उनको मालूम नहीं है। अच्छा। इसीलिए नहीं करेंगे। ये बताइए कि उपवास रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं लोगों को? बेनिफिट होता है, दिल में तसल्ली होती है, सुख शांति मिलती है। नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज में मौजूद हूं और ये काशी घाट पर मैं अभी मौजूद हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि नवरात्रि का आज पहला दिन है और पहले दिन में ये दिखाना चाहूंगा, यहां पर तमाम जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये सभी लोग कहीं ना कहीं जल यात्रा करने के लिए इस काशी घाट पर मौजूद हुए हैं। यहां से जल लेकर के जल यात्रा करते हुए दुर्गा स्थान जा करके समापन करेंगे, वहाँ पर जल को रखा जाएगा और तमाम जो चीज़ें हैं, जो दुर्गा पूजा की जो चीज़ें हैं, तमाम आगे की कार्रवाई यहाँ पर जारी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तमाम लोग इकट्ठा हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर पूजा पाठ और जो भी चीज़ें हैं वो लगातार हो रही है। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा इस तरफ दिखाने का प्रयास करें। काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और जल यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको लगातार किया जा रहा है। कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा, बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? बिट्टू कुमार। यहाँ पर आज जैसा कि नवरात्र का पहला दिन है और यहाँ पर जल यात्रा का कार्यक्रम लोग लगातार कर रहे हैं, क्या लगता है कितने लोग इस जल यात्रा में शामिल हुए? जल यात्रा में लमसम होंगे 2000 आदमी। अच्छा, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर आए होंगे? बहुत जगह, पूरा विक्रमगंज के, पूरा विक्रमगंज नगर के लोग हैं, देहात से भी कुछ लोग आए हैं। आज जैसा कि नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पूरे दर्शकों को बहुत बढ़िया हार्दिक शुभकामनाएं। आगे की जो आगे की कार्रवाई होगी वो क्या क्या होगी, जैसा कि जल यात्रा ले जाने के बाद और क्या क्या चीजें होंगी? नौ दिन पाठ होगा, अभी तो फेरा होगा, जितना जो कंवरिया लोग हैं 250-300 जो कंवरिया लोग आए हैं वो जल ढारेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष रंजन। नवरात्रि के पहला दिन है जैसा कि आज और आगे लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा का पूजा लगातार होगा। यहाँ पर काफी लोग आए हुए हैं और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारी कमेटी के तरफ से आपके चैनल देखने वाले लोगों की पर्व की हार्दिक शुभकामना, सबकी मंगलमय हो।
ऐसा जैसा कि आज पहला दिन है और पहले दिन में जल यात्रा लोग यहां से कर रहे हैं जल ले करके, और जैसा कि दुर्गा स्थान जाएंगे और जो भी चीजें हैं आगे की जो पूजा पाठ वगैरह जो होगी लगातार होती रहेंगी, आगे की कार्रवाई आप लोग क्या रहेगी यहां से जाने के बाद? यहां से जाने के बाद मंदिर के पांच फेरा होगा, इसके बाद कलश स्थापन हो चुका है, पूजा होगा, पूजा के बाद अगले दिन की तैयारी होगी, यही सिलसिला 9 दिन तक चलेगी। आप लोग किस कमेटी से हैं? श्री दुर्गा पूजा समिति सासाराम रोड विक्रमगंज। जैसा कि विक्रमगंज में और भी जगहों पर पंडाल बना करके माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है, क्या लगता है कि सब अलग अलग कमेटियों द्वारा होता है या सब एक ही कमेटी द्वारा होता है? सारे कमेटी अलग अलग। अभी जल यात्रा में कितने कमेटी लोग शामिल हो पाए? अभी केवल ये मेरा प्रॉपर दुर्गा स्थान विक्रमगंज का कमेटी है। इसके बाद आगे की जो कमेटी है वो भी यहाँ पर आएंगे? वो भी यहाँ आएंगे, अपना जल यात्रा करेंगे षष्ठी के दिन, वो भी जल यहाँ से लेंगे और अपने स्थान पे लेके जाएंगे और पूजा यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या कहना चाहेंगे, आज जल यात्रा के मौके पर आप मौजूद हुए हैं, काफी लोग हैं जो और काफी लोग मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? दुर्गा पूजा के आप लोग का हार्दिक शुभकामना है, और ये जल यात्रा भारत माता का जो स्थापना किया गया है तो उनके विषय में आज प्रथम दिन ही हम लोग जल यात्रा। जैसा कि नवरात्रि जो होता है वो माँ दुर्गा का पूजा होता है, लेकिन मैंने आपके जल यात्रा में देखा कि भारत माता की भी तस्वीरें लगी हुई थी, प्रतिमा लगी हुई थी, और तमाम भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको भी लहराया जा रहा था, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत माता की स्थापना के लिए कमेटी में सदस्य सब थी, मतलब सहमति से भारत माँ की स्थापना किया गया, इसलिए आज हम लोग पहली 1 तारीख को मतलब कि 1 नवमी को आज हम लोग कलश स्थापना करके। देखिए कहीं ना कहीं जितना महत्व आप माँ दुर्गा को दे रहे हैं, माँ काली को दे रहे हैं, माँ सरस्वती को दे रहे हैं, उतना ही महत्व भारत माता को, भारत माता को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं हम लोग, काहे कि सबको माता वही है, सब देवी देवता सब वही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ के लोग हैं काफी जो अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि जितना महत्व हमारे जिंदगी में अपनी माँ का है, माँ दुर्गा का है, माँ काली का है, माँ सरस्वती का है, उससे कहीं ज्यादा महत्व माँ भारत का है। भारत माता की जो प्रतिमाएं इन लोगों के मैं जुलूस में देखा, और ये जल यात्रा में जो भारत माता की तस्वीरें और भारतीय झंडा का जो ये ध्वजारोहण करते हुए लोग आ रहे थे, काफी अच्छी प्रतीत हुई। और भी कुछ लोगों से मैं बात करूंगा, मैं चलूंगा डायरेक्ट मंदिर के पास जहाँ पर ये सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो जल यात्रा का कार्यक्रम है उसका समापन यहाँ पर किया जा रहा है, और जो जल है जो बक्सर से लेकर के हमारे साथी आए हुए थे, और जो माताएं यहाँ काशी घाट से जिस जल को उठा करके लेकर आई थी उस जल को सफलतापूर्वक यहाँ पर रखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर देख सकते हैं इस तमाम जितने भी कलशे हैं और जल से भरे तमाम कलशों को यहाँ पर रखा जाएगा। 9 दिनों तक इसको पूजा पाठ जो कुछ भी चीजें होती है उसको करने के बाद 10वें दिन इसको प्रवाहित कर दिया जाएगा, और तमाम जो लोग हैं जो बक्सर से चल करके आए हुए हैं जल लेकर के यहाँ पर अब जल को रखेंगे, और सभी लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे, सभी लोग अपने घर को जाएंगे और जा करके जो आगे की कार्रवाई है, आगे की जो पूजा पाठ है 9 दिनों तक लोग करेंगे। मैं कुछ लोगों से यहाँ बात करने का प्रयास करूंगा और उनकी राय जानने का प्रयास करूंगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुदर्शन दास हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? विक्रम थाना पर रहने वाले हैं। अभी आप जल यात्रा के कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? बहुत अच्छा कहेंगे कि बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, सफल हुआ कार्यक्रम, पूरी तरह सफल हुआ। सफल हुआ जो जल यात्रा कार्यक्रम है, जल को लोग बक्सर से लेकर के यहाँ पर विक्रमगंज लेकर के आ रहे हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर जल तो कहीं से भी किसी भी नदी से उठा करके ला करके रख दिया जाएगा, लेकिन लोग बक्सर से इतने दूर दूर से नंगे पैर चल करके आते हैं और यहाँ पर जल को रखा जाता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग? श्रेष्ठ परंपरा है। अच्छा। ये देवी देवता का पूजा है। देवी देवता तो ये नहीं कहते हैं कि आप जल को बक्सर से लेकर के पैदल यहाँ पर आइए, जल को किसी भी स्थान से लेकर के रखा जा सकता है, जो ही पूजा पाठ है वो किया जा सकता है, फिर लोग ऐसे क्यों करते हैं? ये सदियों पुराना है इसीलिए। इसके बारे में विशेष आपको नहीं पता, बस पहले के लोग करते आ रहे हैं, आप यही जानते हैं बस, और विशेष पूछिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर। और भी कितने लोग आप लोग आए हैं यहाँ पर? हम लोग 10-12 आदमी हैं। 10-12 लोग आए हैं यहाँ पर जल यात्रा में शामिल हुए हैं जल को ला करके,
और अगर आप बक्सर नहीं गए होंगे तो यहीं से जल आया है, काशी घाट से वहाँ से लाए होंगे ना? हाँ वहीं से आए हैं हम लोग। अच्छा, चलिए, जल का यात्रा संपूर्ण रूप से सफल हुआ, और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आप लोग, आगे की प्रक्रिया? बहुत बढ़िया रहेगी, आगे जो आगे 9 दिनों तक पूजा होता है, पूजा करेंगे? हाँ लोग पूजा। किस प्रकार से पूजा करेंगे, क्या उपवास रखेंगे या इसी तरह से पूजा करेंगे? उपवास भी रहते हैं कुछ लोग, कुछ इसी भी करते हैं। लोग उपवास जो रखते हैं, जो लोग हैं उपवास नहीं रख पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो उपवास नहीं करते हैं? उनको मालूम नहीं है। अच्छा। इसीलिए नहीं करेंगे। ये बताइए कि उपवास रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं लोगों को? बेनिफिट होता है, दिल में तसल्ली होती है, सुख शांति मिलती है। अच्छा, कहीं ना कहीं माता रानी के दया रहता है। यहाँ पर एक छोटा सा बचवा है, बाबू भागना मत, तुमसे बात करें, क्या नाम हुआ तुम्हारा? आनंद कुमार। आनंद कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? विक्रमगंज। और कहाँ? अच्छा, यहाँ जल भरी यात्रा में शामिल हुए हो, अकेले आए हो कि अपने गार्जियन माता पिता के साथ आए हो? ना, दोस्त के साथ आए हैं। दोस्त के साथ यहाँ पर आ गए हो, जल तुम भी लाने गए थे? नहीं, देखने के लिए। दोस्त आया था। अच्छा, दोस्त आपका लाया था, कहाँ गया था दोस्त आपका? उधर। मतलब दोस्त जल कहाँ से लेकर के आया है जानते हैं? बक्सर से लाया है, काशी घाट से? बक्सर से। बक्सर से आपका दोस्त लाए, आप नहीं लाए हैं, काहे नहीं लाए हैं? मेरा तबीयत खराब था। अच्छा, तबीयत ठीक होता तो आप जाते हैं? यस, बात सही है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th क्लास के। अच्छा, देखिए, चलिए, 6th क्लास का ये पढ़ने वाला बचवा है, और कहीं ना कहीं इसके मन में इतना जुनून है। हाँ, कौन न्यूज में आता है? अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये छोटा सा बचवा है, कहीं ना कहीं इतना हर्षोल्लास के साथ ये बातें कर रहा है, इतना एनर्जी के साथ मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन न्यूज में लाएंगे मेरा वीडियो, और ये कौन न्यूज में आएगा। कैमरामैन से चाहूंगा इसको दिखाने का प्रयास करें, अगर इसका तबीयत खराब नहीं होता तो इसके अंदर इतना जोश है कि ये शायद बक्सर से जल लेकर के विक्रमगंज में आ जाता, ये इस चैनल पे आएगा। देखो, IR24 न्यूज पे आएगा, यूट्यूब पे सर्च करना IR24 न्यूज। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए हैं, और भी कुछ लोग हैं इधर। आवा, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? दीपू कुमार। कहाँ का रहने वाले? विक्रमगंज का। कहाँ का? विक्रमगंज का। यही के? जल लाने तुम भी गए थे? आ गए थे। कहाँ पर गए थे? बक्सर। अभी बक्सर जा रहे हो जल लेकर? अभी नहीं, अगला साल गए थे, 3 साल तबियत खराब थे इसलिए हम लोग नहीं गए। इस साल कहीं नहीं गए? तबियत थोड़ा खराब था। अच्छा, मेरा ही ऐसा हाल। क्या कहना चाहोगे जो? हाँ, क्या क्या बोल रहे हो? मेरा ही ऐसा हाल है। अच्छा, दोनों का एक जैसा ही हाल है? हाँ। अगली बार अगर ठीक हो जाओ तो वो तो क्या करोगे? अगली बार जरूर लेकर आएंगे जल। अच्छा, माता रानी तो कभी नहीं कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को जल लाना है या इस तरह के चीजें करना है, तो फिर तुम लोग क्यों करते हो? अपने अंदर जुनून है, शौक से। शौक से करते हैं हम लोग। अच्छा, माता रानी के प्रति जुनून है? हाँ, जुनून है। किस क्लास में पढ़ते हो अभी? 7th क्लास। 7th क्लास में महात्मा गांधी को जानते हो? हाँ। कौन थे? महात्मा गांधी अपने देश के थे। क्या थे? क्या थे जी? राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता। उनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म उनका? इससे पूछिए ना, ये इससे पूछिए इससे। आप लोगों को भारत के राष्ट्रपिता का जन्म तिथि नहीं याद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग जल लाने जाते हैं, अगर जल लाने के बदले में अगर आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होते तो ये बताए, पढ़ाई करते हैं तो फिर साल में एक दिन आता है, एक दिन भी नहीं देंगे टाइम तो क्या करेंगे? अच्छा, तो साल में एक दिन महात्मा गांधी और जितने भी महापुरुष है उनका जयंती भी आता है। भगत सिंह को जानते हो? कौन थे भगत सिंह? भगत सिंह हम लोग थे, हम लोग का जाकर मारे थे दुश्मन को। दुश्मन को मारे नहीं थे वो, पहले उनके बारे में बाबू अध्ययन करो। माता रानी के प्रति मैं कुछ गलत नहीं कहूँगा, आस्था है अपनी जगह पर है, लेकिन उससे पहले पढ़ाई लिखाई अहम जरूरी है, पहला कार्यक्रम पढ़ाई करना है। ठीक है, आगे से क्या करोगे? पढ़ते हैं। पढ़ोगे ना? हाँ। अरे, यहाँ पर कुछ युवा जुड़ गए हैं, कुछ कमेटी के सदस्य जुड़ गए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, प्रिंस शर्मा। कमेटी के सदस्य हैं जी? मैं देख रहा हूं कि तमाम ये जो जुलूस का जो चीजें हैं, कलश जो जल यात्रा का जो कार्यक्रम हुआ है उसको आप लोग लगातार रखने का प्रयास कर रहे हैं, ये बताइए कहां कहां के लोग आज जल यात्रा में शामिल हुए हैं? यहां विक्रमगंज के सभी लोग, यहां पर अस्कामी, मेरा अंशु कुमार नाम है, विक्रमगंज के तमाम लोग और गाँव के लोग भी आए हुए हैं, लोग देखने आए हैं इस जुलूस को। ये कितने लोग आ गए होंगे? कम से कम 200 से 300 पार होगा लगभग। हाँ हाँ, देखने देखने नहीं नहीं देखने 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 आए। अच्छा,
ये बताइए कि तमाम जो लोग हैं जो बक्सर से जल लेकर के आए हैं वो नंगे पैर आए हैं, आए हुए हैं और उनके पैर में काफी तरह की परेशानियां हो रही है, बहुत तकलीफ हुई है। तो ऐसा लोग क्यों करते हैं? वो माता रानी की प्रति श्रद्धा है, उनका माता रानी का श्रद्धा है, श्रद्धा की श्रद्धा से ही बढ़कर कुछ नहीं होता है। श्रद्धा है तभी लोग सावन में बाबा धाम जो जाते हैं उसी तरह से लोग यहाँ पर। उन लोग का बहुत गोड़ में डैमेज हुआ था। और मैंने कहा जो लोग ऐसा करते हैं आगे चल के उनके साथ कुछ ना कुछ उन्नति होती होगी, कुछ अच्छी चीजें होती होगी। हाँ, माता वो माता रानी की प्रति श्रद्धा है, वो अपना करते हैं उनके आगे उन्नति होती है। जो लोग नहीं जाते हैं, जो लोग उनके प्रति नहीं करते हैं सब चीजें, ऐसा बात माता रानी ये नहीं करती कि सब पर कृपा करती है। ये है जिसका मन है वो जाए, जिसका मन नहीं है वो नहीं जा सकते। बस मन में श्रद्धा रहना चाहिए, मन में श्रद्धा रहना चाहिए। देखिए यहाँ के युवा हैं जो काफी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि माता रानी जो है वो नहीं कहती हैं कि आप मेरे लिए जल बक्सर से लेकर के आइए, बनारस से लेकर के आइए या तमाम राज्यों से लेकर के आइए। माता रानी कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए तमाम जो श्रद्धा है, जो प्यार है, वो सभी को समान रूप से बरसाने का काम करती हैं। लेकिन दिल में माता रानी का श्रद्धा रखिए और कुछ नहीं, यानी तमाम जो चीजें हैं वो सब करने की जरूरत नहीं है। माता रानी को अपने दिल से मानिए। हाँ, दिल से मानिए, बस इतना ही। आप लोग खुद गए थे बक्सर? नहीं, हम लोग कमेटी के सदस्य हैं। हम सेवा में, मैं इन लोग जो कावरिया है उन लोग के सेवा में, जो बहन बताए बहन है उन लोग के सेवा में हम लोग लग रहे। तब तो सुबह से बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर कार्यक्रम जो हो रहा है। हाँ, वहाँ अभी देख रहे हैं फुचका खाए बस यही। यानी लगातार 9 दिनों तक पूजा होगा, 9 दिनों तक आप लोग इसी तरह भूखे प्यासे कठिन परिश्रम करना ही है हम लोग को। आप ये देख सकते हैं ये देश के युवा हैं जो अपने मुख से बयां कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग बिना कुछ खाए पिए माता रानी के चरणों में अपना जीवन पूरा समर्पित किए हुए हैं। और माताएं बहनें जो यहाँ पर आ रही हैं, जो लोग दूर दूर से चल करके आ रहे हैं, उनके सेवा में हम लगे हैं और आगे भी 9 दिनों तक लगे रहेंगे। आप ये रिपोर्ट देख रहे थे बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज से। मैं युवराज आपसे विदा लेता हूँ, आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।